एंड फाइव पेपर शीट्स इच ऑफ थिकनेस जीरो पॉइंट जीरो बंडल में फाइव पेपर शीट्स हैं हर एक पेपर शीट की थिकनेस जीरो पॉइंट जीरो वॉट इज द टोटल थिकनेस ऑफ द स्टेक स्टेक की टोटल थिकनेस क्या होगी हमें फाइंड करना है कि इस बंडल की टोटल थिकनेस क्या होगी ओके सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं थिकनेस ऑफ वन बुक इज ट्वेंटी एम एम एक बुक की थिकनेस है ट्वेंटी एम एम थिकनेस ऑफ फाइव बुक्स इज फाइव मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी विच इज इक्वल्स टू वन हंड्रेड एम एम फाइव बुक्स की थिकनेस होगी वन हंड्रेड एम एम एंडनेस ऑफ वन पेपर शीट इज जीरो पॉइंट जीरो वन सिक्स एम एम थिकनेस ऑफ फाइव पेपर शीट इज फाइव मल्टीप्लाई बाय जीरो पॉइंट जीरो वन सिक्स जीरो पॉइंट जीरो वन सिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे फाइव से फाइव सिक्स जटी थर्टी थर्टी का जीरो यहाँ थ्री कैरी करेंगे फाइव वन जा फाइव प्लस थ्री एट फाइव जीरो पॉइंट फाइव जीरो इज़ इक्वल्स टू जीरो जीरो पॉइंट एट डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर के लास्ट में जीरो नहीं रखते हैं इसलिए लास्ट वाला जीरो यहां से हटा देंगे सो थिकनेस ऑफ फाइव पेपर शीट्स इज जीरो पॉइंट जीरो एट एम एम क्लियर नाउ टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक इस बंडल की टोटल थिकनेस क्या होगी उसके लिए हम टोटल थिकनेस ऑफ फाइव बुक्स एंड टोटल थिकनेस ऑफ फाइव पेपर शीट्स को एड कर देंगे सो टोटल थिकनेस ऑफ विच इज इक्वल्स टू वन हंड्रेड पॉइंट जीरो एट एम एम तो इस स्टैक की टोटल थिकनेस होगी हंड्रेड पॉइंट जीरो एट एम एम अब क्योंकि हमारी एक्सरसाइज स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेटेड चल रही है तो इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट पे सिर्फ एक डिजिट छोड़नी है लेकिन यहाँ तो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट पे तीन डिजिट है तो इस पॉइंट को लेफ्ट साइड मूव कर देंगे और मूव करके कहा शिफ्ट होगा डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट पे सिर्फ लेफ एक डिजिट छोड़नी है तो ये डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहां शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड पे दो नंबर के आगे ओके इज इक्वल्स टू वन पॉइंट जीरो 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 एट इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और 10 की पावर क्या होगी उसके लिए डेसिमल पॉइंट की ओरिजिनल प्लेस से जहां हमने डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया है इसके बीच के नंबर्स काउंट करेंगे बीच में कितने नंबर्स हैं वन टू तो टेन की पावर होगी टू जब डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड मूव करता है तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव होता है ये हमने एक्सरसाइज 12.2 के इंट्रोडक्शन में सीखा था यहाँ डेसिमल पॉइंट ने लेफ्ट साइड मूव किया है तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी क्लियर सो 0.0008 पॉइंट जीरो 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 एट मल्टीप्लाई बाय टेन टू द पावर टू एम एम this is the total thickness of this stack okay 1.0008 multiplied by 10 to the power 2 mm is the total thickness of stack in standard form okay and this will be answer clear with this we complete our question number 4 and this is the last question of exercise 12.2 also this is the last exercise of chapter number 12 with this we complete our chapter 12 exponents and power i hope the chapter is clear if you still have any doubt in any question, any topic, you can mention in the comment section. And please make sure that you like, share, and subscribe to my channel if you like today's video. Your support really means a lot to me. Bye bye, take care.